ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यह अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in। आज कंटिन्यू फिफ्थ डे निफ्टी इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली है। अगर आप लास्ट चार सेशन से देखें तो बजट के पहले एक ज़बरदस्त करेक्शन हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। मंडे को बड़ा इवेंट है, तो मंडे के दिन क्या ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल हो सकते हैं उसको देखेंगे, लेकिन काफ़ी वोलेटाइल मार्केट हो सकता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मल्टीपल लेग के साथ करें, सिंगल लेग के साथ ट्रेड करना इंडेक्स में काफ़ी नुकसानदायी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी वोलेटाइल मार्केट होता है। जो फ्रेशर्स है अवॉइड करें ट्रेडिंग करना, देखें मार्केट कैसा बिहेव होता है। तो सबसे पहले आज क्या है एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ही आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो ये कुछ आज 5 मिनट के चार्ट का सिनेरियो ऐसे इस तरह से बन रहा था। हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 13,854 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 13,760। तो जैसे कि निफ्टी इंडेक्स आप देख पा रहे हैं काफ़ी ऊपर ओपन हुआ, और जैसे ही ऊपर ओपन हुआ यहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाया, इतना बेयर्स का प्रेशर था, फिर से एक बार टूवर्ड साउथ की तरफ आया। और जैसे ही यहाँ पर आया ब्रेकआउट लेवल का, इसने सपोर्ट यहाँ पर टेस्ट किया ये यहाँ पर, और फिर फर्स्ट टारगेट 13,874 ये अचीव हुआ। कई बार इसने नीचे मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश की, और एग्जैक्ट जो हमारा फर्स्ट टारगेट था उसी के पास इसने ये रेजिस्टेंस फेस किया, ये देखिए यहाँ पर भी। और जैसे ही टूवर्ड साउथ की तरफ आया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इसने ब्रेकडाउन लेवल को रिस्पेक्ट देने की कोशिश की, सपोर्ट टेस्ट किया, और जैसे ही इसको फिर से ब्रेक कर दिया फर्स्ट टारगेट 13,740 अचीव हुआ, सेकेंड टारगेट भी ऑलमोस्ट 13,723 यहाँ पर अचीव हुआ। और जैसे ही फिर से एक बार काफ़ी वोलेटाइल मार्केट देखने को मिला था, ऊपर की तरफ मूव हुआ तो एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया, और यहाँ से जो लास्ट आर बचा था उसमें ज़बरदस्त गिरावट हमें देखने को मिली। तो आज के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 28 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 21,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था आज के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। अभी मंडे के लिए क्या बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। मंथ खत्म हो चुका है तो सबसे पहले मंथली चार्ट को देखते हैं निफ्टी इंडेक्स के। ये मंथली चार्ट है निफ्टी का। अगर आप इस मंथ की कैंडल देखें तो एक बेयरिश कैंडल यहाँ पर बना हुआ है और शूटिंग स्टार जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है। जब भी ये अप ट्रेंड में आता है, ऊपर की तरफ टॉप में आता है, ऐसा कैंडल बनता है, तो यहाँ पर एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है। कन्फर्मेशन के लिए यहाँ पर इसे इस तरह से एक रेड कैंडल बनाना होगा और इसका लो कंफर्टेबली ब्रेक करना होगा, तभी यहाँ पर हमें कन्फर्मेशन मिलेगा कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ करें इस लो और इस हाई को पकड़ के, काफ़ी ज़बरदस्त हमने बुलिश रैली देखी है, तो अभी यहाँ पर करेक्शन आना लाजमी है। तो फर्स्ट यहाँ पर सपोर्ट अराउंड 13,000 के आसपास है। अगर यहाँ से और प्रीवियस मंथ का ये लो यानी जनवरी का लो ब्रेक करता है तो 13,000 के आसपास हमें सपोर्ट पहला देखने को मिल सकता है, जो कि 23.6% का लेवल है। अभी बजट कैसे आता है, किस सेक्टर पे फोकस होता है गवर्नमेंट का, उसके ऊपर आने वाले मूव का यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये मंथली चार्ट का सिनेरियो है। ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में अगर देखें तो प्रीवियस वीक यहाँ पर शूटिंग स्टार जैसा कैंडलस्टिक बना था और इसके बाद ये कन्फर्मेशन मिला है। तो अभी मंथली चार्ट में यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल बना है, लेकिन कन्फर्मेशन के लिए वेट करना होगा। वीकली चार्ट में कन्फर्मेशन मिला है तो यहाँ से अभी अगर नेक्स्ट वीक में अगर ये लो ब्रेक करता है कम्फर्टेबली, तो निफ्टी इंडेक्स यहाँ 20 EMA का ये जो पिंक लाइन है
इस लेवल के आसपास आ रहा हूँ, ये भी 13,056 के आसपास आ रहा है। और मंथली चार्ट में हमने देखा रिट्रेसमेंट लेवल 23.6 का उसी लेवल के पास आ रहा है, तो 13,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। ये हम लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं, ऑब्वियसली तो सपोर्ट लेवल्स काफ़ी बड़े आ सकते हैं यहाँ पर। उससे छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर हमने यहाँ पर दो ट्रेंड लाइंस ड्रॉ किए, एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन, एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन। तो यहाँ से और भी टूवर्ड्स आज देख सकते हैं, 50 EMA को इसने ब्रेक कर दिया, इसके नीचे आ चुका है। तो अगर मंडे को इस फ्राइडे का अगर लो ब्रेक करता है तो ट्रेंड लाइन के आसपास हमें निफ्टी इंडेक्स सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ करें, ये यहाँ पर, तो इसने 61.8% को जो रिस्पेक्ट किया था कल, वहाँ पर इसको भी इसने ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से अगर फॉल आता है तो नेक्स्ट हमारा सपोर्ट जोन होगा इस ट्रेंड लाइन के आसपास, और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन होगा ये जो स्विंग लो बना है अराउंड 13,309 के आसपास, ये हमारा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन होगा। और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट इस लाइन के आसपास होगा, यहाँ पर इस लेवल के आसपास हो सकता है निफ्टी इंडेक्स सपोर्ट टेस्ट करे। अगर 13,300 को अगर ब्रेक करता है तो वीकली चार्ट मंथली चार्ट के हिसाब से 13,000 तक हमें निफ्टी इंडेक्स आते हुए दिखाई दे सकता है। तो ये डेली चार्ट का सिनारियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकती है वो देखेंगे। निफ्टी इंडेक्स अगर आज के लो के नीचे चला जाता है मंडे के दिन 13,591 के नीचे, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 13,566। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा अराउंड 13,539। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। काफ़ी वोलेटाइल है मार्केट इस समय, हमें देखने को मिल रहा है 200-300 पॉइंट एक ही दिन में निफ्टी ऊपर से नीचे यहाँ पर मूवमेंट दिखा रहा है। और अगर ऊपर की तरफ निफ्टी बढ़ता है तो जो आज हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा वो हमारा मंडे के लिए ब्रेकआउट लेवल हो सकता है। जो आज हमारा ब्रेकडाउन लेवल था 13,757 के आसपास, तो इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है निफ्टी इंडेक्स तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। एक छोटा सा क्विकली टारगेट होगा 13,776 का, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 13,800, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के लिए इंट्राडे लेवल्स मंडे के लिए। चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट को एक बार देख लेते। डेली चार्ट कि अगर हम बात करें तो निफ्टी में हमने देखा कि निफ्टी ने 50 EMA, ये जो ब्लू लाइन है, निफ्टी ने 50 EMA को ब्रेक कर दिया, इसके नीचे आके क्लोज हुआ है। लेकिन बैंक निफ्टी को देखें तो 50 EMA को ये रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अभी एज पर डेली चार्ट ऊपर ये 20 EMA का ये जो पिंक लाइन है, ये अराउंड 31,329 के आसपास है, जो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और नीचे ये 50 EMA का ये जो ब्लू लाइन है 30,294 ऑलमोस्ट 300 के आसपास, ये सपोर्ट का काम कर सकता है। ये ब्रेकआउट और ये ब्रेकडाउन लेवल होगा बैंक निफ्टी के लिए आने वाले मूव के कंफर्मेशन के लिए। जैसे ही इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है तो हम लॉन्ग या फिर शॉर्ट पोजिशन, ओवरनाइट पोजिशन यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये था डेली चार्ट का सीनारियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स देखेंगे क्या हो सकती है। हमने यहाँ पर लास्ट के लास्ट वीडियो में फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ करके दिखाया था, ये इस तरह से। तो इसका 100% का ये जो लेवल आ रहा था इसी के आसपास इसने ये सपोर्ट टेस्ट किया और यहाँ से बाउंस बैक दिखाया। तो ये फिबोनाची एक्सटेंशन थ्रू एक एक लेवल अचीव होते गए, और अभी ये जो टॉप टू बॉटम ये जो फॉल आया इसका रिट्रेसमेंट अगर हम ड्रॉ करें, ये टॉप ये बॉटम, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 23.6% को इसने आज काफ़ी अच्छी तरह से सपोर्ट यहाँ पर टेस्ट किया, और ऊपर 30,895 के ऊपर ये क्लोज नहीं हुआ, यहाँ पर इस लेवल को पेनेट्रेट किया है। तो मंडे के लिए हमारा ये होगा ब्रेकआउट लेवल, यानी अराउंड 30,899 के आसपास हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा, और इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी तो ये इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 30,989। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा जो कि 50 EMA के आसपास है, हर्डल हो सकता है 50 EMA। और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड
31,080 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और ब्रेक डाउन लेवल होगा ये लेवल जो कि 23.6% का लेवल है। आज काफ़ी आर्ली चार्ट में आप देख सकते हैं काफ़ी इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है। तो 30,419 के नीचे चला जाता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और कभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 30,335, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 30,244, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए मंडे के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।